Τα παιδιά έχουν. Εδώ παγόρευε. Εδώ αγγί του. Εδώ. Ούτε σάρα δύο κουτσέ. Σάρα το σάρα. Σάρα. Αμμουρδά μουρδιά χιλάνε λόγω. Πέρα σπα. Σάρα το ταλέλα. Ταλέλα. शाह का मानसेरा बाजार में दो नंबर मुर्दा और डंपशुदा गोश्त बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। मुर्दा गोश्त बेचने वालों की शामत आ गई। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर सैयदा उज़्मा शाह ने मानसेरा बाजार में तमाम दुकानों को चेक किया और छापे के दौरान मुर्ग की शॉप से गोदाम में स्टोर किए गए डंपशुदा मुर्ग कब्जे में ले लिए और दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि सफाई सुथराई न करने वालों पर भी भारी जुर्माने आयद किए गए और उनका माल कब्जे में ले लिया गया। मुर्ग का एक मन से ज्यादा मुजरे सेहत गोश्त पेट्रोल छिड़क कर जलाकर तलफ कर दिया गया और मानसेरा बाजार के गंदा मुजरे सेहत या मुर्दा गोश्त बेचने वालों को जुर्माने के अलावा तनबीही वार्निंग भी जारी की गई कि ऐसा गोश्त बेचने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस हवाले से मानसेरा न्यूज की खुसूसी रिपोर्ट। ये नीचे आपको गंदगी नजर आ रही है, खून क्या है, ये क्या कर रहे हैं? ये रात को साफ आ गए, ये साफ किया हुआ है आपने? ये रात को डेली साफ, ये साफ किया हुआ है, ये साफ नजर आ रहा है। ये आप बेच रहे हैं, ये चीजें बेच रहे हैं, ये आप बेच रहे हैं? क्या तो इसकी क्या हालात है? ये साफ किया हुआ है आपने? ये रात को डेली साफ, ये साफ किया हुआ है, ये साफ नजर आ रहा है आपको? ये क्या चीज है? हालत देखिए आप, क्या हालत है, ये क्या लगा हुआ है? हाँ ये क्या है, ये क्या लगा हुआ है? ये चिकन का तो है, ये इसके ऊपर क्या गंदगी लगी हुई है? ये आप बेच रहे हैं, ये चीजें बेच रहे हैं? ये आप बेच रहे हैं? कुत्ते के या तो कुत्ते आओ उतारे सारा जो कुछ है ऊपर सारा। अब मुर्दा मुर्गिया खिला रहे लोगों को, तले ला सारिया आते हैं सुबह आते हैं शाम का काम की हालत गंदगी आ गई। आपकी बात ठीक है, लेकिन काम करते हैं ये कलेजी रमजान नहीं खुला रहे तो, लेकिन ये सारी दुनिया एक चीज फरोख कर रही है तो हम फिर क्या करें? तो आप क्यों फरोख कर रहे हैं? आप सारी दुनिया के अपने लेक्चर और डिबेट बंद करो, ठीक है ना? पूरे हम देखते हुए आ रहे हैं, सारों में मैं गई हूँ, ये पिछली आपकी तीसरी दुकान है, पहली भी आप दो बार इधर चिरान करके गए, आपको शर्म नहीं आई क्योंकि आप डिबेट भी कर रहे हैं? देखिए शर्म किस बात में, मतलब आपको कोई इस पे अफसोस?
समझ नहीं आप ये गंद खिला रहे हो। अभी मैडम आइए गाग उन्होंने बोले आ जाके ये गंद बोला इन्होंने मुझे खिलाओ वो मांग रहे पहले आपने जुर्माना हुआ है किसी वजह से आपने बात कर नहीं मैडम मैं ये अब ये सारा स्टाफ मैं कंफिस्केट करती हूँ और आपको मैं जेल भेजती हूँ फिर उसके बाद आपको कोई मसला नहीं लेकिन मैं असूल की बात आपसे कर रहा हूँ आप असूल की बात नहीं कर सकते आप इस बंद अपनी गलती माने गलती तो हमारी है लेकिन आपको पैसे देते हैं ना पैसे दे के देते हैं आप लोगों को गम खिला सही बात जो ऊपर आपने रखी हुई है मुर्दार मुर्दी आप लोगों को खिला मैडम हम इस पे कल में कुरान पे हाथ लगा रहे हैं हमने नहीं मर्दार हमने खिलाते ये कुछ चलती है ज्यादा अब आपके साथ नहीं पता अच्छी गलत छे देखते हैं लेकिन फिर असी जुर्मदार ये गलत चीज नहीं है ये नहीं ये गंद आपने छुपा के ऊपर रखा था ये गलत नहीं है ये मैडम आपके सामने आ गई देखें मेरे सामने ये मैं ऊपर से लेकर आई ये गलत नहीं है ये गलती हमारी है आपको चेक करने आ गई गलती अभी आधा किलो मांग आपकी ड्यूटी कर रही हूँ ये गलती की है मैंने जरा आपको नजर आ रहा है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ खैर है मैडम बस मुझे कार्ड से पीछे नहीं जो होना था वही होगा आप कौन है करीब आदमी बदतमीज आदमी और इस तरह के आदमी को तो मैं अभी बताऊंगी इसकी मैं FIR करती हूँ ठीक है जिसको तमीज नाम की चीज नहीं है जिसमें गलत काम नहीं करते और ऊपर से बर्बाद होती है इसका लिखे नाल करो ना